अभी चौखट की रंगोली बनाएंगे, छोटा स्वस्तिक बनाए थे, स्वस्तिक बनाए। अभी थोड़े अलग पैर निकालेंगे देवी माता के, नीचे राउंड बनाया था तो अभी नीचे त्रिकोण बनाए इस तरीके से। अभी वो पद्म बना दिए, फिर से ये राइट हैंड को हम रिपीट करेंगे। देखिए इस प्रकार देवी माता के पैर बना रहे हैं। अभी वो पद्म बनाएंगे। अभी हम आंगन की रंगोली बनाएंगे। आज हम परड़ी बनाते हैं। सात बिंदु ले लिए, एक तक कम कम करते जाएंगे। देखिए इस प्रकार। और अभी ऊपर हम ऊपर के हिस्से में और छह बिंदु नए डाल दिए। अभी शुरू करेंगे। जैसे हम कमर बनाते हैं उस तरीके से ऊपर के हिस्से में दो बनाए, नीचे एक बनाएंगे। अभी ये जोड़ेंगे इस तरीके से। और फिर जो बिंदु रहते हैं उनके हम पंखुड़िया पेटल्स बनाएंगे। उसमें भी अलग अलग तरीके के रंग भर सकते हैं ताकि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। देखिए चाहे तो हम परड़ी है हाथ में लेते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेंगे तो भी चलेगा। अभी त्रिकोण डालेंगे। इन अलग है कमल, इसीलिए ऐसे अलग अलग दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक दो और ये तीसरा हो गया। ऐसे चौपट के रंगोली के यहाँ भी हम त्रिकोण डालेंगे। हो गई रंगोली पूरी।